नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं टोटल एग्जाम यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर मैं आज रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण लेसन वेन डायग्राम के अगले वीडियो सीरीज लेकर हाजिर हूं। और इसमें जो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, ऑलरेडी ये प्रश्न में डायग्राम दिया हुआ है जिसे मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया है। और इस ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में कुछ बातें जो है, और डायग्राम को एक पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो डायग्राम है, यहां पर एक सोसाइटी में रहने वाले बच्चे का जो पसंदीदा आइसक्रीम है उसको दर्शा रहा है कि कौन से बच्चे किस आइसक्रीम को पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका वृत्त है, ये चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों को प्रदर्शित कर रहे हैं। त्रिभुज जो रेड कलर में है, स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले, आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और वनीला जो आयत है, जो आयत प्रदर्शित कर रहा है वनीला पसंद करने वाले आइसक्रीम जो है बच्चों को। तो इस डायग्राम के आधार पे जो कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि कितने बच्चे चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं, चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं। ठीक है, चॉकलेट यानी स्क्वायर और वनीला यानी आयत, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी आपका सर्किल और आयत, इनके बीच में जो संख्या आएंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सर्किल यानी चॉकलेट पसंद करने वाले और आयत यानी वनीला पसंद करने वाले बच्चे, तो यहां पे 15 आ रहा है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 15। क्लियर है। दो नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वनीला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अनुपात है। वनीला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, यानी वनीला और चॉकलेट, क्लियर है। चलिए, वनीला पसंद करने वाले बच्चों यानी वनीला के अंदर यानी आयत के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सारे वनीला पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग सारे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 7, 5, 12, 24 और 15, 39 और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे यानी जो वृत्त के अंदर है, तो 7, 3, 10, 30, 40 और 15, 55, ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते। कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते। कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं वनीला नहीं, तो स्ट्रॉबेरी कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 1, 3 ये, 1, 4 ये, तो आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा, 1, 3 है और 1, 4 है, आंसर हो जाएगा हम लोग का 7। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चों का पसंद को प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी कितने बच्चे मंगल को पसंद करते हैं, कितने बच्चे बुध को पसंद करते हैं और कितने बच्चे बृहस्पति को पसंद करते हैं। इसके इस डायग्राम के आधार पर जो कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग करेंगे। और ये डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिए गए हैं, तो पहले डायरेक्ट हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, और दोस्तों यहां मैं प्रश्न नोट्स में पढ़ूंगा, इसके साथ साथ ही आपको स्क्रीन पर भी वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर क्या है। बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले, ठीक है, बुध और बृहस्पति, बुध प्लस बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच अंतर क्या है, ये पूछ रहे हैं।
चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले निकाल लेते हैं कि बुध कितने लोग पसंद कर रहे हैं और बृहस्पति कितने लोग कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। बुध पसंद करने का मतलब है कि बुध डायग्राम के अंदर जितने भी बच्चों की संख्या है सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, बुध पसंद करने वाले हो जाएंगे, और बृहस्पति डायग्राम के अंदर जितने बच्चे हैं उन सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे तो बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये हम लोग काम करते हैं बुध, तो बुध वाला डायग्राम ये वाला है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर जितनी संख्या है सारे को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, बुध वाले, है ना। सबसे पहले हम लोग बुध वाले को देख लेते हैं कितने बच्चे हैं, तो 10 + 12 + 13, क्लियर है। ये हो गया आपका 12 + 12 = 24 + 25 = 10 = 35। उसके बाद बृहस्पति को कितने बच्चे पसंद करते हैं, इनको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति को, यानी जो छोटा वाला डायग्राम है ये बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 13 और 16, 29 हो गया। अब कह रहे हैं दोनों के बीच में अंतर, यानी बुध में बृहस्पति को माइनस कर लेंगे, यानी बुध को पसंद करने वाले 35 है और बृहस्पति को पसंद करने वाले 29 बच्चे हैं, तो 35 में 29 हम लोग माइनस करेंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 35 में माइनस 29 करेंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा 6। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति इन दोनों डायग्राम के बीच में, यानी इस वाले भाग में जो संख्या होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मंगल को पसंद करने वाला यानी बड़ी वाली, और बृहस्पति को पसंद करने वाले यानी छोटा वाला, इसके अंदर कितने हैं, तो एक 16 है और 13 है, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो दूसरे का आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। 13 और 16 = 29, तो 29 बच्चे ऐसे हैं जो मंगल को भी पसंद कर रहे हैं और बृहस्पति को भी पसंद कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले वालों से कितना अनुपात है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रहों को पसंद करने वालों से कितना अनुपात है, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले, ठीक है। तो केवल मंगल ग्रह को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, यानी मंगल डायग्राम के अंदर वो संख्या जिस संख्या का संबंध किसी अन्य डायग्राम से नहीं है, तो केवल मंगल ग्रह पसंद करने वाले हैं तो 14, और उसके बाद कह रहे हैं कि तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले। तीनों का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तीनों का कहने का मतलब हो गया कि तीनों डायग्राम आपस में जिस जगह मिले उस जगह पे जो संख्या होता है वो तीनों डायग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले ये क्या 14 हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, तीसरा का यहां पे लिख लेते हैं 14, अनुपात पूछ रहे हैं ना, ओके। उसके बाद तीनों को प्रदर्शित कौन कर रहे हैं, तो ये वाला 13 तीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हम लोगों का आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का डायग्राम हमने बना लिया है और सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, और इस डायग्राम को समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन को देखने के बाद इस डायग्राम के आधार पर हम लोग उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज को ए के द्वारा दर्शाया गया है, और ये है अरबी भाषा बोलने वाले, ठीक है, यानी अरबी भाषा बोलने, ए जो है अरबी भाषा बोलने वाले को दर्शाता है, के यानी जो वर्ग है, यानी के यानी वर्ग कोरियाई भाषा बोलने वाले को दर्शाता है, आयत यानी डी डच भाषा बोलने वाले को दर्शाता है, और वृत्त यानी सी
चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। अब इसके आधार पे हम लोग कुछ एक प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, साथ में आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई आकृति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हम नोट्स में पढ़ते हैं, आप लोग ऊपर देखते रहिए स्क्रीन पे, है ना। चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं, चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं, ठीक है। चीनी बोलने वाले कौन सा है, ये विर्थ, और बोल रहे हैं ये सभी लोग डच बोलते हैं, जबकि इन दोनों का संबंध बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलते हैं, यानी चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि चीनी बोलने वाले कुछ लोग, चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोलने का मतलब है कि इस वर्ग के अंदर ये पूरा स्क्वायर आना था, लेकिन यह वर्ग से बाहर भी स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब कुछ ही लोग हैं, कुछ ही चीनी लोग हैं जो कि चीनी भी बोलते हैं और कोरियाई भी बोलते हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई और अरबी बोलते हैं, डच बोलने वाले यानी डी कोरियाई, यानी कि कोरियाई के भी बोलते हैं और अरबी भी बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत, ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं, जबकि डच बोलने वाले कुछ लोग कोरियाई बोलते हैं और कुछ लोग अरबी बोलते हैं, तो सी भी गलत हो गया, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी भी बोलते हैं, चीनी बोलने वाले यानी सी, ये सभी लोग अरबी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अरबी हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ये चीनी बोलने वाले यानी वृत्त है, सी है, तो डी आंसर हम लोगों का सही होगा, ठीक है। पहले का क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी इज करेक्ट, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को चुनना। कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं, बिल्कुल गलत, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। चारों भाषाएं बोलने का मतलब क्या हुआ, तीनों भाषाएं, चारों भाषाएं यानी चारों डायग्राम आपस में मिलना चाहिए, और वहां पे आपस में आप देख सकते हैं कि तीनों डायग्राम आपस में नहीं मिल रहे हैं, जैसे ये चीनी बोलने वाले और डच बोलने वाले में कोई संबंध ही नहीं है, तो यहीं पे ये खत्म हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है, डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं, डच बोलने वाले या तो अरबी यानी त्रिभुज और कोरियाई यानी स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी में ही सत्य, जो सत्य था वो मेरे को मिल गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।